ऐसा नहीं कि बरसों से मैं तो भजन कर रहा हूं, अभी तक दर्शन नहीं हुए। तुम्हारा ध्यान केवल भजन में होना चाहिए, ये सोचने में नहीं कि वो कब मिलेगा, वो क्या देगा, वो कैसे देगा, कितना देगा, ये गणित मत बिठाओ। क्योंकि भक्ति हृदय का विषय है, भाव का विषय है, बुद्धि का विषय है ही नहीं। और जो धर्म को या भक्ति को भी बुद्धि से तोलते हैं, वो कभी ठीक ठीक भक्ति नहीं कर पाते। वो जो ये सोचते हैं कि इतना चढ़ावा चढ़ाने के बाद भगवान की भक्ति पूरी होती है, वो जो ये सोचते हैं कि ये चढ़ाने के बाद, ऐसा करने के बाद भगवान प्राप्त होते हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति बुद्धि की नाप तोल से परे है, क्योंकि ये बुद्धि का विषय ही नहीं है। ईश्वर ना मन का विषय है, ना बुद्धि का विषय है, ना शरीर का विषय है, ये विषय तो हृदय का है, ये विषय तो आत्मिक अंतरात्मा का है, ये विषय तो अनुभव का है, ये विषय तो महसूस करने का है। कोई दूसरा कैसे आपको बता सकता है कि प्रभु का दर्शन, उसकी भक्ति कितनी मीठी होती है, कितनी आनंददायी होती है, ये तो स्वयं अनुभव करने पर, चखने पर ही पता चलेगा ना। राम नाम में क्या मिठास है, ये तो वो जो लेता है ना, उसी को पता है। जो प्रेमी है, उपासक है, रसिक है, वही जानता है इस आनंद को, इस मस्ती को। इसलिए कहते भी हैं कि सुख बाह्य साधनों में नहीं है, सुख तो आपके भीतर का आंतरिक विषय है। तो अब ये मत कहना कि मैं किसी और की वजह से दुखी हूं या किसी और की वजह से प्रसन्न हूं। मैं दुखी होना नहीं चाहता पर मेरे बच्चों ने कर रखा हूं, मैं दुखी होना नहीं चाहता पर पड़ोसी ने कर रखा हूं, मैं दुखी होना नहीं चाहता लेकिन पत्नी की वजह से दुखी हूं। ये सब निरर्थक बातें हैं, क्योंकि दुख सुख ये तो भीतर का प्रवाह है और किसी और के कारण नहीं आ सकता। और यदि किसी और के कारण आ रहा है तो समझ लो आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को पकड़ा रखा है। वो बटन दबाता है आप दुखी हो जाते हो, वो बटन दबाता है आप सुखी हो जाते हो, यही बात है ना। कोई तारीफ कर देता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात। और कोई थोड़ी सी आलोचना कर दे, निंदा कर दे, कटु शब्द कह दे, तो वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। इसका मायने ये है कि हम अभी ठीक ठीक समझे नहीं अपने आप को। राम जी को तो समझना बाद का विषय है, जिसने अपने आप को जान लिया वो श्री राम को जान सकता है।